हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लास्ट फर्नेस इरेगुलरिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये आयरन मेकिंग सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने तीन वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें वहाँ से आपको प्रीवियस वीडियो और आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उसी लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ब्लास्ट फर्नेस इरेगुलरिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये इरेगुलरिटीज़ क्या होता है? जैसे देखो, हम लोग हैं, हमें भी जैसे कुछ कुछ बीमारियां हो जाती है। जैसे एग्जांपल मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, जैसे भी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें भी। वैसे क्या होता है, ब्लास्ट होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो उसी का इलाज हमको करना है, ठीक है। मतलब आज हमको इंजीनियर के बजाय डॉक्टर बनना है। किसका डॉक्टर बनना है? ब्लास्ट फर्नेस का, ठीक है। क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है, क्या उसके रीजंस है ना, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, सब कुछ हम लोग जानेंगे एक एक के बारे में, ठीक है। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये सब आपका नाम है, ठीक है। ये सब इरेगुलरिटीज़ का नाम है, 10 है, 10 इरेगुलरिटीज़। 10ों के बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके चलिए सीधा पहला देखते हैं। सबसे पहला है इरेगुलरिटीज़, वो है हैंगिंग, ठीक है। अब देखो, हैंगिंग मतलब, हैंगिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हैंगिंग मतलब होता है लटकना, है ना, लटक जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हैंगिंग में, आपका ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो रॉ मटेरियल आप चार्ज कर रहे हो वो ऊपर में ही हैंग हो जाता है, ठीक है। अगर ऊपर में हैंग हो जाता है, नीचे नहीं आ पाता है, तो उसको बोलते हैं टॉप हैंगिंग। अगर इस तरफ बोश लेवल में, ये जो है ना, इस लेवल को बोलते हैं बोश लेवल। तो अगर इधर वो लटक जाता है, नीचे नहीं आ पाता है ना, इसको बोलते हैं बॉटम हैंगिंग, ठीक है। दो टाइप का हैंगिंग होता है, मतलब लटक जाना, रॉ मटेरियल ऊपर में ही रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता, ये होता है हैंगिंग इरेगुलरिटीज़, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्या कारण है ना, कॉजेस क्या क्या हैं इसके। तो देखिए, पहला कॉज क्या होता है, जो आपका बोश रीजन में जो स्लैग बना है, ठीक है, जो फ्यूज्ड स्लैग बना है, वो क्या होता है, वो स्लैग अगर कहीं कम टेम्परेचर मिलता है ना, तो वो जमने लगता है, ठीक है। जैसे इस रीजन, मान लीजिए स्लैग बना, कहीं टेम्परेचर कम मिला, तो क्या होगा, दो पार्टिकल्स को, पहले लिक्विड था, अब वो क्या होगा, मान लीजिए सॉलिडिफाई हो गया, तो ये क्या होगा, दो पार्टिकल्स को, जैसे और के पार्टिकल्स को ऐसे चिपका देगा, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया है ये आपस में चिपक जाएगा, ठीक है। और आपस में चिपक गया तो ये नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है, इससे हैंगिंग होगा। ये हो गया इसका पहला रीज़न। दूसरा रीज़न आपको क्या होता है कि जो कार्बन होता है ना, वो ऊपर डिपॉजिट होने लगता है, ये जैसे आपका ब्लास्ट फर्नेस से है ना। तो क्या होता है, कार्बन जो है ऊपर रॉ मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। क्यों डिपॉजिट होता है? क्योंकि एक रिएक्शन होता है जिसमें जो CO जो होता है ना, आपको जो CO होता है वो जो है टूट करके क्या बनाता है, जो आपका CO है वो टूट करके बनाता है C+ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं नॉर्मन रिवर्जन रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मन रिवर्जन रिएक्शन। इसमें CO वापस क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन बन रहा है। तो ये जो कार्बन आपका बन रहा है ना, ये डस्ट के फॉर्म में बनता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो ये क्या करते हैं ना, ऊपर जा करके ऐसे जो और के पार्टिकल या कोक के पार्टिकल होते हैं ना, उसके इंटरस्टीशियल पे, मतलब जो खाली गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, वहाँ जाके जमा हो जाता है। और ये क्या करता है, जमा होने के बाद ये जो दो पार्टिकल्स है ना, या दो मतलब और है या कोक है, जो लंप है उसको जोड़ने का काम करता है, मतलब एक दूसरे को चिपका लेता है। तो इस तरह से चिपका लिया तो ये क्या हो गया, ये पूरा रॉ मटेरियल हैंग हो गया ऊपर में, वो नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कार्बन के कारण, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोक के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो वो जो कोक के पार्टिकल छोटे ना, वो भी दो और को, जैसे आयरन और को या लाइम स्टोन वगैरह को आपस में चिपकाने का काम करते हैं, अगर कोक का साइज़ बहुत छोटा होगा तो, ठीक है। ये भी इसका रीज़न होता है। दो रीज़न मैंने बता दिया। तीसरा रीज़न होता है हाई ब्लास्ट प्रेशर, ठीक है। ब्लास्ट प्रेशर अगर ज़्यादा है, जैसे आपने ट्यूबर से आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, ये ट्यूबर है, आप ट्यूबर से ज़्यादा प्रेशर से अगर हॉट ब्लास्ट भेजोगे, तो वो क्या है भाई, ज़्यादा प्रेशर भेजोगे तो ऊपर जो रॉ मटेरियल नीचे आ रहा है उसको क्या करेगा, धक्का देगा ऊपर की ओर, क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा है। तो ये इस कारण से भी कई बार नीचे नहीं आ पाता है, ठीक है, ज़्यादा ब्लास्ट प्रेशर की वजह से। तो ये भी हैंगिंग का क्या है, एक कारण है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल चार रीज़न मैंने बता दिए, रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है, जो स्लैग है, जो पहले से स्लैग बन चुका है, वो कई बार सॉलिडिफाई हो जाता है तो आपस में चिपका देता है ना, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को। दूसरा क्या होता है, नॉर्मन रिवर्जन रिएक्शन होता है, जिससे कार्बन बनता है ना, वो कार्बन क्या करता है, वो भी दो जो मेटल्स होते हैं, दो और होते हैं और पार्टिकल्स, उसको चिपकाने का काम करता है ना, क्योंकि जब ऊपर में रॉ मटेरियल आपस में चिपकेंगे तभी हैंगिंग होगा, अगर आपस में नहीं चिपके मतलब वो धीरे, वो तो नीचे ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया था, अगर कोक के पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो वो भी वही काम करते हैं, है ना, और हाई ब्लास्ट प्रेशर, ठीक
ठीक है। इसके अलावा एक और रीज़न होता है एल्कली ऑक्साइड का, एल्कली ऑक्साइड। ये एल्कली ऑक्साइड जनरली ना कोक में पाया जाता है। ये जो एल्कली ऑक्साइड क्या होता है, ट्यूअर के आसपास क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ट्यूअर के आसपास ये जो एल्कली ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होता है, वेपर बन जाता है, ठीक है, वेपराइज हो जाता है। और यही जब वेपर ऊपर की ओर जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, तो ऊपर स्टैक रीजन में क्या होता है ना, ऊपर जो है स्टैक रीजन में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। ये बनता कहाँ है, ट्यूअर के आसपास है ना, वेपराइज होकर कहाँ चला जाता है, ऊपर स्टैक रीजन में। तो स्टैक रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये वेपर जो है ना ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका भाप है, भाप क्या होता है, कहीं पे ठंडी जगह मिला तो भाप पानी में पानी बन जाता है, उस जगह पे जाके कंडेंस हो जाता है, वैसे ही एल्कली ऑक्साइड ऊपर में जाके कंडेंस होने लगते हैं रॉ मटेरियल में, ठीक है। तो ये जो कंडेंस होता है ना, बहुत चिपचिपा रहता है, जैसे आपका फेविकोल होता है ना, आपस में दो चीज़ों को चिपका देता है, तो ये भी एल्कली ऑक्साइड चिपचिपा होता है, ये आपको क्या करता है, रॉ मटेरियल को आपस में जोड़ देता है, चिपका देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हैंगिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल रीजन्स हैं हैंगिंग के। अब देखिए, अब आपको रीज़न पता चल गया ना, तो आपको उसका रेमेडी भी पता चल गया है ना, जो कॉजेस है, कारण है, उसको दूर कर लो, आपको मिल गया रेमेडीज़। तो रेमेडीज़ में पहला आपको क्या करना है, लाइम स्टोन आपको चार्ज करना है लंप के फॉर्म में। पहला रेमेडी क्या होगा, लाइम स्टोन आप चार्ज करोगे कैल्शियम कार्बोनेट लंप के फॉर्म में, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हेल्प करेगा हैंगिंग में, देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो पहले से जो कोल्ड के जो डस्ट हैं, कार्बन जो है उससे रिएक्शन करता है और ये बना लेते हैं सीओ। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड हो तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन, अगर ये ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में हो तो इसी को बोलते हैं नॉर्मन रिवर्जन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गए, क्या हुआ यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन रिएक्शन करके सीओ बना रहे तो सॉल्यूशन लॉस, इसका उल्टा हो रहा है रिएक्शन, तो नॉर्मल रिवर्जन रिएक्शन। तो अगर आप लाइमस्टोन चार्ज करोगे ना, तो ये सॉल्यूशन लॉस रिएक्शन होगा, इससे कार्बन जो है जो बैठ रहा है ऊपर में रॉ मटेरियल के ऊपर, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो लाइमस्टोन आपको चार्ज करना है लंप के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, जो जो ब्लास्ट है, जो हॉट ब्लास्ट है, उसका प्रेशर थोड़ा कम करना है, ठीक है। जब आप प्रेशर कम करोगे, ठीक है, यहाँ से हॉट ब्लास्ट होते रहे, उसका प्रेशर कम करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर उसको कम धकेलेगा, रॉ मटेरियल को ऊपर की ओर कम धकेलेगा, तो ये रॉ मटेरियल जल्दी से नीचे आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो हॉट ब्लास्ट का प्रेशर है उसको थोड़ा कम करना है, ठीक है। इसके अलावा एल्कली ऑक्साइड जो है रॉ मटेरियल में, वो आपका कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एल्कली ऑक्साइड जो है जनरली कोक में होता है, वो जितना कम होगा उतना ऊपर में जाके वो कम कंडेंस होगा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए हैंगिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैंगिंग हो रहा है, बार बार हैंगिंग हो रहा है, तो उसका फाइनल सॉल्यूशन आपको क्या होता है, कि बार बार हैंगिंग हो रहा है ना, तो क्या करते हैं, जितना भी रॉ मटेरियल है ना, उसको बोस रीजन तक, ये जो बोस रीजन है यहाँ तक इसको डाउन होने देते हैं, मतलब चार्जिंग नहीं करते हैं जब तक ये नीचे नहीं आता, ठीक है। बार बार हैंगिंग हो रहा है तो ये जितने रॉ मटेरियल्स है ना, उसको नीचे आने देते हैं, किस रीजन तक, ये बोस रीजन तक आने देते हैं पूरे रॉ मटेरियल को, ऊपर से चार्जिंग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे बोस रीजन में आता है तो ऊपर खाली हो जाएगा आपका, ये रीजन खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे ना ब्लैंक कोक चार्ज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ तक बोस रीजन में आपका रॉ मटेरियल डाउन हो गया, तो इसमें ब्लैंक कोक, खाली कोक चार्ज कर देते हैं, ठीक है, खाली कोक चार्ज करते हैं, तो इससे हैंगिंग का जो प्रॉब्लम है ना, वो दूर हो जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ कुछ रेमेडीज़। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इरेगुलरिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट इरेगुलरिटी है स्कैफोल्डिंग, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो लिखा है इसको अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, इसको है ना। तो चलिए अब मैं यहाँ बताता हूँ स्कैफोल्डिंग के बारे में। स्कैफोल्डिंग में होता क्या है ना, ये भी थोड़ा सा हैंगिंग की तरह लेकिन थोड़ा सा अलग है। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है ना, रॉ मटेरियल जो है ना, ये फर्नेस की दीवार पे चिपक जाता है। ये जो फर्नेस की दीवार है ना, ये ठीक है, ये फर्नेस की दीवार है ना, इसी में आपका रॉ मटेरियल ऐसे चिपक जाएगा किसी किसी पोर्शन पे, जैसे इधर चिपक गया, इधर चिपक गया, ठीक है। और चिपक चिपक के सिंगल मास, मतलब एक ब्लॉक जैसा बना लिया, ये जैसे पूरा चिपक के क्या बोल रहे हैं, एक सिंगल ब्लॉक जैसा बना लिया, तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, देखो स्कैफोल्डिंग अगर कहीं पे क्रिएट हो जाए, जैसे यहाँ पे स्कैफोल्डिंग बना, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल आपका डायमीटर कम हो गया, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस का डायमीटर कम हो गया इससे। उसके बाद वर्किंग वॉल्यूम भी कम हो गया, क्योंकि ये वॉल्यूम आपको लॉस हो गया, तो वर्किंग वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, जो
जो मतलब प्रोडक्टिविटी है ब्लास्ट फर्नेस की, वो आपकी घट जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम घट गया तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, है ना। उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे नीचे में हैंगिंग हुआ, यहाँ पे तो नीचे अगर हैंगिंग हुआ तो ऊपर से जो रॉ मटेरियल नीचे आ रहा है उसको वो रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कोई रॉ मटेरियल डालोगे इस पोर्शन पे, तो ये नीचे नहीं आ पाएगा इसके फोल्डिंग के कारण, है ना, ऊपर में ही रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके फोल्डिंग अगर ज़्यादा हुआ ना तो आपको ज़्यादा फ्यूल इंजेक्शन देना पड़ता है, ज़्यादा कोक रेट बढ़ जाता है। मतलब आपको एक टन हॉट मेटल बनाने के लिए जैसे मान लीजिए 500 kg कोक की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर स्कैफोल्डिंग ज़्यादा हुआ ना तो आपको ज़्यादा कोक चार्ज करना पड़ जाएगा, 550 kg 600 kg तक चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और कोक क्या होता है, बहुत महंगा होता है ना, तो इससे आपका टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा प्रोडक्शन का, है ना। ये सारी दिक्कतें आती है स्कैफोल्डिंग के कारण। अब देखिए ये सब हैं क्या क्या परेशानी है, ये मैंने बता दिया। अब देखो इसका कारण क्या होता है, तो इसका सबसे जो बड़ा कारण होता है ना स्कैफोल्डिंग का, वो होता है एल्कली ऑक्साइड, जो मैंने अभी हैंगिंग में बताया ना, हैंगिंग का भी रीज़न यही होता है, इसका फोल्डिंग का भी यही होता है। एल्कली ऑक्साइड के बारे में जैसे बताया ना, वो ट्यूअर रीजन में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे वेपराइज हो जाता है, ऊपर जाके कंडेंस होता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा ना वहाँ पे जाके वेपराइज हो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होकर क्या होगा, ये जैसे फर्नेस की दीवार में जाके कंडेंस हुआ, ये यहाँ पे जाके मान लीजिए कंडेंस हुआ, जैसे फेविकोल होता है ना, ठीक है, फेविकोल चिपचिपा रहता है, वैसे ही चिपचिपा टाइप का कंडेंस हो जाएगा, फिर यहाँ से भी रॉ मटेरियल गुजरेगा उसको वापस में चिपका लेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से क्या होगा, फिर से कंडेंस होगा, ये फिर से आके फिर धीरे धीरे इसको चिपकाते रहेगा। मतलब समय के साथ जो स्कैफोल्डिंग है ना वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं रेक्टिफाई किया तो स्कैफोल्डिंग समय के साथ क्या होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसे लगातार जो वर्किंग वॉल्यूम है ब्लास्ट फर्नेस का वो कम होते रहेगा, है ना। तो ये मेन होता है एल्कली ऑक्साइड के कारण। अब देखिए इसको कैसे कम किया जा सकता है, अब ठीक है, कारण तो मैंने बता दिया, अब इसको कम कैसे किया जा सकता है या इसको ख़त्म कैसे करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला कारण तो यही होगा, चूँकि जो एल्कली ऑक्साइड रॉ मटेरियल में वो पहले से कम होना चाहिए, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा जो और एक मेन जो मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्कैफोल्डिंग हो गया है ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्कैफोल्डिंग हो गया ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में, तो इसका एक फाइनल सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं जंपिंग ऑफ द फर्नेस। इसमें क्या करते हैं ना, जो ट्यूअर से जो आप ब्लास्ट भेज रहे हो उसको एकदम अचानक से शट ऑफ कर देते हैं, मतलब अचानक से हॉट ब्लास्ट भेजना बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो हॉट ब्लास्ट अगर आप भेजना बंद करोगे तो क्या होगा, ट्यूअर से क्योंकि जो हॉट ब्लास्ट दे रहे हो वो प्रेशर क्रिएट करता है ऊपर की ओर, यहाँ से जो हॉट ब्लास्ट दे रहे हो ना वो ऊपर की ओर एक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो अचानक से आप हॉट ब्लास्ट शट ऑफ कर दिए तो क्या होगा, ये पूरा रॉ मटेरियल क्या होगा, नीचे आएगा, अचानक से नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो जो स्कैफोल्डिंग है ना ये भी क्या होगा, गिर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्कैफोल्डिंग है उसको कौन सहारा दे के रखे, मान सकते हैं कि हॉट ब्लास्ट का जो प्रेशर है उसको उठा के रखा है ऊपर की ओर, ठीक है, प्रेशर के कारण उठा हुआ है। तो जब अचानक से आप ट्यूअर से हॉट ब्लास्ट देना बंद करोगे तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो स्कैफोल्डिंग जो बना है ना वो क्या हो जाएगा, अचानक से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी फाइनल सॉल्यूशन करते हैं इसका, स्कैफोल्डिंग का। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, जो फ्यूल जो रेट है ना उसको बहुत कम नहीं करना है, जो कोक रेट है, अगर आप कोक रेट बहुत कम कर दोगे ना, ठीक है, नेक्स्ट आपको रेमेडी बता रहा हूँ, कोक रेट आपको प्रॉपर देना है। अगर कोक रेट कम हो गया, ठीक है, तो कोक रेट कम होगा तो इससे क्या होगा, फर्नेस के किसी पोर्शन पर टेम्परेचर कम होने लगेगा। जैसे आप कम कोक दोगे तो, जैसे इस पोर्शन में टेम्परेचर कम हुआ तो यहाँ पे कंडेंसेशन ज़्यादा होगा एल्कली का, ठीक है, तो इस रीजन में स्कैफोल्डिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो कोक रेट भी प्रॉपर आपको मेंटेन करना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए स्कैफोल्डिंग दूर ही नहीं होता है किसी कारण से, जमा ही रहता है ना, तो उसके एक और फाइनल सोल्यूशन होता है, वो होता है डायनामाइट लगा देते हैं। जैसे इस पोर्शन पर ज़्यादा स्कैफोल्डिंग है तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायनामाइट लगा के ना इस स्कैफोल्डिंग को हटाया जाता है यहाँ से, ये एकदम फाइनल सोल्यूशन होगा। अगर कोई सोल्यूशन काम नहीं होता ना तो ऐसा किया जाता है, डायनामाइट लगा के इसको स्कैफोल्डिंग को तोड़ा जाता है, ये फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है ना अगर किसी चीज़ के बारे में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है, मैं वहाँ पे भी आपको आंसर दे दूँगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी स्कैफोल्डिंग के बारे में है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे इरेगुलरिटी स्लिप, ठीक है, स्लिप। अब ये जो स्लिप नाम की इरेगुलरिटी है ना, वो एक सिंगल इरेगुलरिटी नहीं है, वो किसी और के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए हमको कई बार बुखार आ जाता है ना, तो सर दर्द भी होता है, चक्कर भी आता है, ऐसा कारण होता है ना, ठीक है। या कई बार खून की कमी हो जाती है तो हमको चक्कर आता है, तो अगर आप चक्कर मत आए इसकी गोली खाओगे तो वो सॉल्यूशन नहीं है,
ठीक है। जैसे कई बार बुखार आ गया, सर दर्द है, तो सर दर्द की गोली खाने से आप ठीक नहीं होगे, आपको क्या करना पड़ेगा, बुखार की गोली खाओगे तो वो ठीक होगा, तो सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये भी उसी तरीके से होता है। जो स्लिप होता है वो कोई सिंगल इरेगुलरिटी नहीं होती है, जो स्लिप होता है ना वो हैंगिंग और स्कैफोल्डिंग के कारण होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, हैंगिंग और स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, बर्डन ऊपर में चिपक जाता है, नीचे नहीं आ पाता, हैंगिंग में तो पूरा का पूरा चिपक जाता है ना। तो देखिए कई बार क्या होता है ना, जो मटेरियल ऊपर में हैंग हुआ है, जैसे ये मटेरियल हैंग हो गया है, मान लीजिए हैंग होते गए हैं और इधर का मटेरियल नीचे आ रहा है, ये यहाँ तक पहुँच गया है, मतलब बीच में क्या हो गया, ये गैप बन गया। क्यों गैप बना? क्योंकि ऊपर का रॉ मटेरियल हैंग हो गया है और नीचे का मटेरियल तो नीचे जाया जा रहा है ना, तो ये बीच में क्या बन गया, ये गैप बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अचानक से मान लीजिए ये जो हैंगिंग हुआ है वो अचानक से नीचे गिरता है किसी वजह से, मान लीजिए हैंगिंग बहुत ज़्यादा हो गया, उसका वेट बढ़ गया, तो वेट कभी बहुत ज़्यादा हो गया तो हैंगिंग जो हुआ है ना वो अचानक से नीचे गिर जाता है, ये पूरा रॉ मटेरियल हैंग होकर नीचे गिर जाता है ये गैप के कारण। तो कई बार इतना फास्ट गिरता है नीचे कि ये यहाँ का रॉ मटेरियल ना कहाँ चला जाता है, हर्थ में चला जाता है। अब हर्थ में आपको पता है कि यहाँ पे पी कारण होता है और स्लैग होता है, तो कई बार अचानक से ऊपर के रॉ मटेरियल सीधे नीचे आ जाते हैं हर्थ पे। ठीक है, तो इससे हर्थ चिलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। हर्थ चिलिंग मतलब होता है हर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाना। ठीक है, कई बार इतना कम हो जाता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है हर्थ, है ना। तो ये प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं स्लिप। स्लिप मतलब सिंपल है, स्लिप हो जाना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्लिप हो गए, गिर गए, वैसे ही हैंगिंग और स्कैफोल्डिंग अचानक से गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं स्लिप। ठीक है, तो इसको अगर आपको कम करना है तो सिंपल सी बात है, हैंगिंग और स्कैफोल्डिंग आपको नहीं होने देना है, अगर नहीं होगा तो ये स्लिप भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इरेगुलरिटी। नेक्स्ट है चिल्ड हर्थ। अभी चिल्ड हर्थ के बारे में मैंने बताया ना, चिल्ड हर्थ, हर्थ किस पोर्शन को बोलते हैं, जहाँ पे आपका हॉट मेटल और स्लैग जो है जमा होता है, ये वाले पोर्शन को बोला जाता है हर्थ। ठीक है, तो चिल्ड हर्थ का मतलब होता है हर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाना। ठीक है, अब बता देता हूँ हर्थ का टेम्परेचर कितना होता है। हर्थ का आपका टेम्परेचर होता है 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना, 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पी कारण का भी इतना ही टेम्परेचर होता है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे स्लिप मैंने बताया, तो स्लिप के कारण अचानक से ऊपर का रॉ मटेरियल अचानक से गिरता है और सीधे हर्थ पे चला जाता है, तो रॉ मटेरियल का ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो जब अचानक से हर्थ में आता है ना तो इसको चिल कर देता है, मतलब इसके टेम्परेचर को बहुत ही कम कर देता है। ठीक है, तो इसके कारण कई बार हॉट मेटल सॉलिडिफाई हो जाता है हर्थ में। अब हर्थ में हॉट मेटल सॉलिडिफाई हो गया मतलब क्या होगा, वो बाहर ही नहीं आएगा, टैप होल से कैसे बाहर आएगा, लिक्विड रहेगा तब बाहर आएगा, है ना। अगर सॉलिडिफाई होगा तो बाहर ही नहीं पाएगा, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो उस केस में आपको मतलब गैस टॉर्च का मतलब उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर टैप होल को खोलना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है चिल्ड हर्थ का, कई बार क्या होता है हर्थ रीजन में ना, जो हर्थ का जो रीजन है, ये मान लीजिए हर्थ रीजन है। ठीक है, तो आपको पता है कि हर्थ के बाहर ना वाटर कूल, ये वाटर कूल्ड होता है हर्थ, इसके अंदर क्या होता है मतलब रिफ्रैक्ट्री के जस्ट बाहर आपका वाटर इधर से इन होता है और एक तरफ से वाटर आउट होता है, तो इस तरह से हर्थ को ठंडा रखा जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ये जो वाटर कूलर है ना वो डैमेज हो जाता है, तो ये जो बाहर का जो वाटर है वो अंदर चला जाता है, कहाँ पे, हर्थ में, और ये आ जाता है पिग आयरन के कॉन्टेक्ट में, ये बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि वाटर को, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जो है पिग आयरन का टेम्परेचर होता है आपका 1300 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये जब वाटर डायरेक्टली 1300 डिग्री सेल्सियस के कॉन्टेक्ट में आएगा ना, तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है, मतलब ब्लास्ट हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो कूलर का वाटर डायरेक्टली पिग आयरन के कॉन्टेक्ट में आता है, इससे भी एक तो एक्सप्लोजन का खतरा है, दूसरा चिलिंग होने का खतरा है, क्योंकि वाटर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगा पिग आयरन का, तो इससे पिग आयरन भी अचानक से सॉलिडिफाई हो सकता है, चिल हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है दूसरा कारण, है ना। तो उसको अगर आपको दूर करना है, पहला जो है स्लिप, स्लिप के कारण होता है चिल्ड हर्थ, तो आपको स्लिप दूर करना है, मतलब हैंगिंग और स्कैफोल्डिंग आपको नहीं होने देना है, वो हो गया। उसके बाद अगर ये वाला जो बता रहा हूँ, ये वाटर कूलर डैमेज वाला, इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, अच्छी रिफ्रैक्ट्री का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जो फर्नेस का जो डिज़ाइन है ना, हर्थ लेवल पर जो डिज़ाइन है वो अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर जो रिफ्रैक्ट्री जो लगाई जाती है हर्थ में, वो प्रॉपर तरीके से लगानी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो ईंट को कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ये है, फिर ये इस तरीके से रखते हैं ना, तो इसमें क्या होता है जॉइंट एक साथ नहीं आ पाता, तो कहीं भी रेगुलर जॉइंट नहीं देना, जैसे रिफ्रैक्टरी जब लगाया जाता है ना, तो ऐसे कभी भी ऐसे रेगुलर जॉइंट नहीं देना है।
ये क्या होगा, ये एक तरह से रेगुलर जॉइंट हो गया, ये गलत तरीका है लगाने का, ये सही तरीका होता है। ठीक है, अगर रेगुलर जॉइंट दोगे ना, तो ये जो जॉइंट है उससे अंदर से आपका मेटल अंदर जा सकता है या वाटर जो है अंदर आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अच्छी टाइप का रिफ्रैक्टरी का यूज़ करना। जनरली आजकल यूज़ होता है कार्बन ब्रिक्स का, इसको कार्बन ब्लॉक भी बोलते हैं। हर्थ में कौन सा रिफ्रैक्टरी होता है, कार्बन ब्लॉक होता है। ठीक है, पहले क्या यूज़ करते थे, पहले फायर ब्रिक्स यूज़ करते थे। तो ये जो फायर ब्रिक्स है ना, वो एफ ई ओ से रिएक्शन कर लेता था। किससे, एफ ई ओ से, आयरन ऑक्साइड से। ठीक है, और रिएक्शन करके क्या बना लेता था, ये स्लैग में चलने लगता था, धीरे धीरे इरोजन होने लगता था फायर ब्रिक्स का, है ना, धीरे धीरे इसके कंज्यूम होने लगता था फायर ब्रिक्स। और एक समय ऐसा आता था कि जो वाटर कूलर है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाता था पिक आयरन के, इससे ब्लास्ट वगैरह का खतरा होता था, इसलिए आजकल यूज़ करते हैं कार्बन ब्लॉक्स का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इरेगुलरिटी है ब्रेकआउट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ब्रेकआउट। तो देखो ब्रेकआउट में क्या होता है, आपका जो बोश और हर्थ का जो रीज़न होता है ना, वहाँ पर रिफ्रैक्टरी डैमेज हो जाता है कई बार। ये मान लीजिए ये ट्यूबर है, बोश रीजन किसको बोलते हैं, ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बोश रीजन, और ये नीचे वाला हर्थ रीजन है। तो कई बार क्या होता है ना, यहाँ पर रिफ्रैक्टरी डैमेज हो जाता है, और रिफ्रैक्टरी डैमेज होने के कारण जो हॉट मेटल और स्लैग है ना, यहीं से बाहर निकलने लगता है। ब्रेकआउट होना मतलब स्लैग और मेटल का बाहर निकल जाना, कहाँ से, टैप होल के अलावा किसी और जगह से बाहर निकल रहे हैं मान लो, तो वो क्या हो गया, वो ख़राब हो गया। मतलब अगर इधर से बाहर निकल रहा है तो वो ख़राब है। कई बार हर्थ में भी क्या होता है, टैप होल के बजाय कहीं और से बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट जनरली आपका होता है किसके कारण होता है, ब्रेकआउट मेन होता है आपका रिफ्रैक्टरी डैमेज के कारण। ठीक है, कहीं पर रिफ्रैक्टरी का डैमेज हो गया है ना, तो उसके कारण आपका ब्रेकआउट हो सकता है। ये जो ब्रेकआउट है ना, इस यहाँ पे भी मेन खतरा क्या होता है, वाटर कूलर, वाटर का डायरेक्ट कांटेक्ट में आना हर्थ के। बोश का जो ब्रेकआउट है वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हर्थ में ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो वाटर कूलर है, जो वाटर जो कूलिंग में इस्तेमाल हो रहा है, वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ सकता है पिग आयरन के, है ना, यहाँ पर भी एक्सप्लोजन का खतरा होता है। तो ब्रेकआउट से दूर करने के लिए आपको क्या करना है, अच्छी रिफ्रैक्टरी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का रिफ्रैक्टरी होना चाहिए। उसका जो डिज़ाइन है, जब उसको रिफ्रैक्टरी को जब वहाँ पर उसको मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें डालते हैं रिफ्रैक्टरी, तो उसको सही तरीके से रिफ्रैक्टरी को लगाना ज़रूरी है। दूसरा, अच्छी क्वालिटी का रिफ्रैक्टरी होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, कि पहले फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, है ना, तो उसको हटा के हम कार्बन ब्लॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फायर ब्रिक्स धीरे धीरे कंज्यूम होने लगता था, और कंज्यूम होकर एक टाइम आता था जब वो क्या हो जाता था, ब्रेकआउट हो जाता था, है ना। तो ब्रेकआउट जब भी होता है तो बहुत दिक्कत होती है, पूरा फर्नेस को बंद करना पड़ जाता है। उसके बाद जब रिपेयर होता है ना, तभी आप वापस से फर्नेस को चालू कर सकते हो, है ना। ब्रेकआउट हो गया तो आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, मतलब ठीक है, इसके अलावा दवाई से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना पड़ता है सीधा, है ना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इरेगुलरिटी है फ्लडिंग। ठीक है, फ्लडिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है, फ्लडिंग का हिंदी मीनिंग होता है बाढ़। ठीक है, बाढ़ आ जाना। तो देखिए बाढ़ कहाँ पर आता है भाई, ब्लास्ट फर्नेस में। तो देखो कहाँ पे बाढ़ आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ब्लास्ट फर्नेस है। देखिए हर बार मैं डायग्राम बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो, ठीक है, प्रॉपर कहाँ पे क्या हो रहा है नॉलेज हो। इसलिए अगर मैं मुँह से बोल दूंगा ना, जैसे बुक्स में इरेगुलरिटी वाले चैप्टर में जाओगे ना, उसमें खाली लिखा है, कुछ डायग्राम नहीं है, है ना। तो मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि किस पोर्शन पर होता है, कहाँ पर होता है, क्यों होता है, ये क्लियर हो जाए, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, अब फ्लडिंग के केस में देखो क्या होता है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो स्लैग और मेटल जो बनते हैं ना, वो ऐसे अचानक से एक जगह नहीं बनते हैं। स्लैग और मेटल क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर से बनते हुए आते हैं। जैसे आपका जो मेन है ना, स्टैक के नीचे वाले पोर्शन से स्लैग बनना चालू हो जाता है, स्लैग और मेटल वगैरह। तो स्लैग और मेटल क्या होता है, जो धीरे धीरे टपक टपक के नीचे आता है। ठीक है, ऐसे अचानक से एक ही बार में नहीं बनता है स्लैग और मेटल। स्लैग और मेटल धीरे धीरे बनता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, टपक टपक के नीचे आता है। जैसे बारिश होती है ना, वैसे क्या होता है, बूंद बूंद करके ये नीचे आने लगता है। अब देखो, अब ये नहीं, बूंद बूंद करके नीचे आ रहे हो, और यहाँ से आप क्या दे रहे हो, ट्यूयर से हॉट ब्लास्ट सप्लाई कर रहे हो। तो अगर ये हॉट ब्लास्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ मान लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट ब्लास्ट का प्रेशर हुआ, तो ये जो आपका बूंद बूंद करके नीचे आ रहा है स्लैग और मेटल, वो आपका नीचे ही नहीं आ पाएगा। क्योंकि भाई आप इधर से इतना प्रेशर दे दे रहे हो कि ऊपर से जो बारिश होने वाली है, वो बारिश भी रुक गई है। ठीक है, पिग आयरन और स्लैग की जो बारिश होनी है वो रुक गई है। तो कई बार क्या होता है, प्रेशर के कारण आपके स्लैग और मेटल ऊपर ही जमा होने लगता है, नीचे नहीं आ पाता है। ठीक है, अब एक समय क्या होगा, अब भाई बारिश तो हो रही है,
ठीक है, बारिश तो हो रही तो हवा कब तक उसको संभालेगा। तो एक समय जब आता है जब इसका जो वेट है, स्लैग और मेटल का जो वेट है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो प्रेशर है ना ब्लास्ट का, उसको ओवरकम कर देता है, मतलब इसका वेट ज़्यादा हो जाता है, तो अचानक से ये पूरा स्लैग और मेटल सीधा डायरेक्टली नीचे आते हैं, क्योंकि ऊपर में एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जमा हो रहा है स्लैग और मेटल। क्यों जमा हो रहा है? हॉट ब्लास्ट के प्रेशर के कारण। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना जब यहाँ पे इतना सारा जमा हो जाएगा स्लैग मेटल कि इसका वेट बहुत बढ़ जाएगा, तो अचानक से नीचे आता है, ठीक है, स्लैग और मेटल। तो इसको बोलते हैं फ्लडिंग, ठीक है। तो ये फ्लडिंग को अगर आपको दूर कर रहे हैं ना, तो ब्लास्ट प्रेशर जो है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दूर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका चैनलिंग, ठीक है। चैनलिंग में देखो क्या होता है, चैनलिंग में यहाँ पे लिखा है, देखो, प्रिफरेंशियल फ्लो ऑफ असेंडिंग गैसेस थ्रू सर्टेन एरिया ऑफ द बर्डन। मतलब चैनलिंग मतलब एक चैनल बन जाना, हिंदी में अगर समझे तो क्या होगा, चैनल बन जाना। कैसे चैनल बन जाता है, देखो ये आपका ब्लास्ट फर्नेस है, देखो ब्लास्ट फर्नेस थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, इसको आप लोग काम चला लेना, यहाँ पे मोबाइल में ड्राइंग उतना अच्छा नहीं बनता है। ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है। अब चैनलिंग में क्या होता है ना, आपका जो गैसेस है यहाँ से ट्यूर से जो हॉट ब्लास्ट भेज रहे हो, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ट्यूर के पास, फिर ये बाद में कार्बन से रिएक्शन करके CO बना लेता है। तो CO जो है मेन रिड्यूसिंग गैस है। तो कई बार क्या होता है ना, बर्डन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये जो CO गैस है या जो जो भी गैसेस है वो सर्टेन एरिया से बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए इधर इधर परमेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो पूरा का पूरा गैस ना इधर से बाहर निकलना चालू कर देगा। मान लीजिए मिडिल में परमेबिलिटी अच्छी नहीं है, है ना, एकदम पैक्ड रीजन है मिडिल, मान लो कोई भी पोर्शन पैक्ड हो सकता है, कोई भी पोर्शन में परमेबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर परमेबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो ये जो गैसेज होंगी ना वो इस रीजन को छोड़ देगा, यहाँ से गैस घुसेगा ही नहीं इधर, है ना, इधर से चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, गैस वहीं से जाना चाहेगा ना जहाँ से उसको मतलब रेजिस्टेंस कम मिल रहा होगा, तो जहाँ परमेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ से गैस निकल जाएगा चैनल बनाते हुए, जहाँ परमेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, वहाँ गैस जाएगा ही नहीं, घुस नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिफरेंशियल फ्लो हो गया कि एक एक तरफ से ही पूरा आपका गैस बाहर निकल जा रहा है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे परमेबिलिटी अच्छी नहीं है, भाई यहाँ पे तो गैस गया ही नहीं, तो यहाँ गैस गया नहीं मतलब यहाँ कोई रिडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि गैस समान रूप से सही जगह सभी जगह पे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चैनलिंग, एक चैनल बनाते हुए सर्टेन एरिया से गैस बाहर निकल जाता है और कुछ पोर्शन में जा ही नहीं पाता है, है ना। अब देखो इसको आपको रिमूव कैसे करना है, तो चैनलिंग को रिमूव करने के लिए बहुत ही सिंपल सा आपको फंडा लगाना है, वो ये है कि प्रॉपर परमेबिलिटी होनी चाहिए। अब प्रॉपर परमेबिलिटी कैसे मेंटेन करोगे, जो आपका रॉ मटेरियल है उसको बड़े बड़े साइज़ में मतलब प्रॉपर साइज़ में फीड करोगे आप, ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता है। जैसे आपका आयरन ओर है वो 10 से 40 mm का होना चाहिए, ठीक है, और वही जो कोक है वो 80 mm के आसपास होना चाहिए, 40 से 80 mm के बीच होना चाहिए, ठीक है, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर उससे छोटा हुआ तो परमेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि जितना छोटा होगा ना आपका रॉ मटेरियल उतनी परमेबिलिटी घटेगी। उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर जो होना चाहिए, रॉ मटेरियल जो आप डाल रहे ऊपर टॉप से वो प्रॉपरली पूरा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सही तरीके से, ठीक है। उसके लिए आजकल बिलेस चार्जिंग सिस्टम आ गया जो प्रॉपरली चार्ज मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो ये दो रोजन आपको करना है, इससे चैनलिंग का जो है इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें एक छूट गया है, उसको मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, एक पिलरिंग, ठीक है, ये जो सेलेमेंडर है इसको जस्ट बाद देखेंगे, इसके पहले मैं बता देता हूँ पिलरिंग, ठीक है, पिलरिंग। तो ये पिलरिंग इरेगुलरिटी में देखो क्या होता है, आपको सीधा ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस। अब पिलरिंग में क्या होता है ना, कई बार आप जो हॉट ब्लास्ट दे रहे हो उधर से ट्यूयर से, वो कई बार मिडिल पोर्शन में पहुंच ही नहीं पाता है, इतना स्लो प्रेशर से दे रहे हो कि ये जो हॉट ब्लास्ट है ना मिडिल पोर्शन में पहुंच नहीं पाता है, ये वाला पोर्शन पे मान लीजिए, है ना, ये पोर्शन पे अगर हॉट ब्लास्ट पहुंच नहीं पा रहा है तो ये पोर्शन ठंडा हो जाता है, ये पोर्शन प्रॉपरली गर्म नहीं हो पाता, हीट नहीं पहुँच पाता, तो ये पोर्शन क्या हो गया भाई, ठंडा हो गया, ठीक है। तो ये पिलर टाइप का एक ऐसा कॉलम बन गया जो एरिया ठंडा है, है ना, तो इसी को बोलते हैं पिलरिंग। मतलब एक कैसे दिख रहा है आपको, एक पिलर जैसे दिख रहा होगा, एक खंबे जैसा, है ना,
तो ये ठंडा पोर्शन है, पिलर जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पिलरिंग। ठीक है, तो इस पिलरिंग का पता लगाने के लिए क्या करते हैं ना, एक जो ट्यूअर होल है वहीं से एक रॉड डाला जाता है, ऐसे इस तरीके से एक रॉड डालते हैं, है ना। इस रॉड को डालने के बाद कुछ देर रखने के बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं। जब आप इस रॉड को जब आप बाहर निकालोगे ना, तो ये पता चलता है कि मिडिल पोर्शन क्या रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, और इस तरफ के पोर्शन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा इधर इधर। ठीक है, या इधर एकदम रेड हॉट रहेगा, ये एकदम ठंडा रहेगा, इधर भी रेड हॉट रहेगा। तो ये जो बता रहा है बीच में जो ठंडा रीजन है, जो रेड हॉट नहीं हुआ है, ये क्या बता रहा है आपका, पिलरिंग को बता रहा है। ठीक है, इसका एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा पिलरिंग हुआ है, मतलब है ना, मतलब ये एरिया अगर इधर हुआ मतलब ज़्यादा पिलरिंग हुआ, ये कम हुआ मतलब पिलरिंग का इफेक्ट कम है। तो इस तरह से बीच से रॉड डाल के पता लगाया जा सकता है कि पिलरिंग है कि नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से फिर हॉट ब्लास्ट प्रेशर को बढ़ाया जाता है। इसका रेमेडी क्या है, आपको हॉट ब्लास्ट का जो प्रेशर है ना उसको थोड़ा अच्छा रखना है, ताकि हॉट ब्लास्ट प्रॉपरली क्या हो पाए, मिडिल पोर्शन तक पहुंच पाए, बीच तक पहुंच पाए। तो हॉट ब्लास्ट जब पहुंचेगा ना, तो प्रॉपरली आपका हीट पिलरिंग का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये लास्ट है सेलेमेंडर, इसको बोल इसका फुल नाम है सेलेमेंडर फॉर्मेशन। ठीक है, सेलेमेंडर फॉर्मेशन। देखिए अब इसमें क्या होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस जो होता है ना, ब्लास्ट फर्नेस जब एक बार आप चालू करते हो, जब आप ब्लोइंग इन करते हो, चालू करते हो, तो लगभग लगभग वो 5 से 10 साल तक चलता है। ब्लास्ट फर्नेस कितने साल तक चलता है, 5 से 10 साल तक रेगुलरली चलते रहता है। ठीक है, बीच बीच में देखो छोटा मोटा मेंटेनेंस हो गया, ब्रेकआउट वगैरह हो गया, उसको रिपेयर करते हैं, कुछ कुछ समय के लिए शट डाउन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस को, लेकिन पूरा बंद नहीं करते हैं। पूरा बंद 5 से 10 साल के बीच में पूरा बंद होता है, वो डिपेंड करता है ब्लास्ट फर्नेस की कैसी क्वालिटी वगैरह, रिफ्रैक्टरी वगैरह कैसा है, उस हिसाब से 5 से 10 साल तक चलता है। तो इतना लंबा समय होता है 5 से 10 साल ना, तो देखिए होता क्या है इसमें ना, जो आपका हर्थ रीजन है, ये नीचे में जो हर्थ रीजन है, ठीक है, अब आपको पता है कि हर्थ में ही पिग आयरन और स्लैग जमा होता है। ठीक है, और बॉटम पोर्शन में, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए आपका हर्थ है। ठीक है, आपको पता है कि नीचे साइड आपका क्या जमा होता है, पिग आयरन, और ऊपर साइड आपका जमा होता है स्लैग। तो 5 से 10 साल काफ़ी लंबा वक्त होता है ना। तो इसमें क्या होता है, लगातार पिग आयरन बॉटम में एक्यूमुलेट होते रहे, मतलब एक्यूमुलेट होता है मतलब यहीं पर जमा होता है स्लैग और मेटल। तो समय के साथ क्या होता है ना, ये जो हर्थ का जो बॉटम है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्ट्री लगी हुई है, ये इरोजन के कारण, इरोजन मतलब यहाँ पे भाई ये पिग आयरन तो हिलेगा डुलेगा ना, मतलब फ्लो करेगा थोड़ा बहुत, तो इसके कारण ये जो रिफ्रैक्ट्री धीरे धीरे क्या होता है, इरोड होने लगता है। ये ऐसे धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इरोड होने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए इतना इरोजन हो गया, तो भाई अगर इतना रिफ्रैक्ट्री आपका डैमेज हो गया, इरोड हो गया इतना, तो मतलब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में पिग आयरन आप जमा होने लगेगा, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्ट्री था वो तो इरोड होकर बाहर निकल गया। ठीक है, तो जो आपका हर्थ पहले ऐसा था, अब वो कैसा हो गया भाई, थोड़ा सा ऐसा हो गया, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब आपका टैप होल मान लीजिए यहाँ पे था, मान लो टैप होल यहाँ पे था, है ना, तो टैप होल यहाँ पे रहेगा, तो ये जो इरोजन हुआ, ये नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे जो जो भी पिग आयरन जमा होगा, इस टैप होल के नीचे जो भी पिग आयरन जमा होगा, वो आपका ड्रेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो टैप होल है वो तो यहाँ पे है, लेकिन ये जो पिग आयरन यहाँ जमा हो रहा है वो टैप होल के नीचे जमा हो रहा है, तो ड्रेन नहीं हो पाएगा, मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा टाइपिंग के टाइम पे, तो ये पिग आयरन जमा होने लगेगा, और समय के साथ में ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। टाइम टाइम के साथ क्या होने लगेगा, ये जो आपका पिग आयरन बना है ना, वो सॉलिडिफाई होने लगेगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली सॉलिडिफाई हो जाता है, इसी को बोलते हैं सेलेमेंडर फॉर्मेशन। तो इस तरह से ना, बॉटम में आपका एक पिग आयरन का लेयर बन जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, इसको बोलते हैं सेलेमेंडर फॉर्मेशन। ठीक है, तो सेलेमेंडर फॉर्मेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जब वर्किंग कंडीशन में हो तो, लेकिन जब उसको वापस से 5 साल बाद उसको जब फिर से रिपेयर किया जाता है, तो उस समय बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये प्रॉपरली पूरा एक चट्टान की तरह सॉलिडिफाई हो जाता है। ये जो पिग आयरन है, एक बड़ी से चट्टान की तरह क्या हो गया, आपको बॉटम में सॉलिडिफाई हो चुका है। अब आपको इसको तो रिपेयर करना है हर्थ को, तो उसको पूरा तोड़ना पड़ता है। तोड़ने का मतलब है ना, इसको पूरा टॉर्च वगैरह से इसको काट काट के धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है पिग आयरन को, पूरा जो सॉलिडिफाई हो गया, फिर इससे वापस इसमें रिफ्रैक्टरी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है सेलेमेंडर फॉर्मेशन का। हाँ, इसको बीच बीच में ना पता लगाने के लिए जनरली हर्थ के बॉटम में ना कुछ कुछ थर्मोकपल लगाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे, ऐसे अलग अलग पोर्शन में ऐसे थर्मोकपल लगाया जाता है। तो ये थर्मोकपल से लगातार, ये थर्मोकपल ना लगातार अलग अलग पोर्शन में मॉनिटरिंग करते रहता है टेम्परेचर का। ठीक है, ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते रहेगा, इससे ये चीज़ बताता है कि कहाँ पे सेलेमेंडर फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है,
इस तरीके से अलग अलग थर्मोकपल लगाया जाता है। लेकिन मेन आपका सिलेंडर फॉर्मेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आप 5 से 10 साल बाद वापस ब्लास्ट फर्नेस को रिपेयर करते हो तो, ठीक है। ओके, तो ये था पूरा ब्लास्ट फर्नेस इरेगुलरिटीज़ के बारे में। मैंने टोटल 10 इरेगुलरिटीज़ के बारे में बताया आप सबको, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।